हाय स्टूडेंट्स, पैरामाउंट स्टडीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10। इसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए। इसे हमने इस प्रैक्टिस सेट का बेसिक जो है वो इस पिछले वीडियो में हमने बताया है। तो आइए प्रैक्टिस सेट 1.4 का हम पहला प्रॉब्लम बनाते हैं। दैट इज 2 upon x - 3 upon y = 15 एंड 8 upon x + 5 upon y = 77। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस वीडियो को आप देखिए, ताकि रिसब्स्टिट्यूशन मेथड यानी रिड्यूसिबल मेथड के जो भी हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं तो उसमें आपको बताया हुआ है। ओके, तो देखिए, अब देखिए 2 upon x है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 1 upon x, मतलब ये कि 2 into 1 upon x ऐसे लिख सकते हैं, -3 into 1 upon y, ओके, = 15। तो ये जो 1 upon x है, इस पूरी टर्म को और 1 upon y जो है, मतलब 1 upon x को हम मान ले a और 1 upon y को हम मान ले b, तो इक्वेशन क्या बन जाती है, दैट इज 2a - 3b = 77। अब इसे दे दीजिए इक्वेशन 3, 2a - 3b = 77, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 2। ओके, अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो देखिए, उसके बाद में हम 2a - 3b और सेकंड इक्वेशन क्या बनती है, दैट इज 8a + 5b = 1 मिनट, गलती हो गई यहाँ, 2a - 3b = 15, ओके, एंड 8a + 5b = 77, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 4, ओके। अब देखिए, हम अगर दोनों इक्वेशन के ए वाली टर्म और बी वाली टर्म को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट जो टर्म है ए वाली, उसमें 2a 8a है, मतलब ना तो हमारे पास में सेम पेयर है और ना ही अपोजिट साइन है। अगर हम सेकंड टर्म को देखते हैं बी वाली टर्म को, तो हमारे पास सेम अपोजिट साइन तो है बट सेम पेयर नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेम पेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम इक्वेशन 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें सेम पेयर के साथ साथ अपोजिट साइड के साथ साथ तीन सेम पेयर भी मिल जाएगा। सो राइट हियर इक्वेशन 3 into 5 and 4 into 3, ओके, सो राइट हियर 3 into 5 into 2a - 3b = 15 and 8a + 5b = 77, ओके। तो देखिए, 5 2 10a -5 3 15b = 5 15 75, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 5, ओके। देन 3 8 24a + 3 5 15b = 77, 3 that will become 231, ओके, 231। तो आप इसे दे दीजिए इक्वेशन 6, ओके। अब देखिए, दोनों इक्वेशन को हमें जो दो नए इक्वेशन मिले हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 5 and 6। तो देखिए, फर्स्ट अगर टर्म को देखिए, ए वाली टर्म को तो 10a 24a, सेकंड टर्म को देखिए बी वाली टर्म को तो -15b
प्लस 15b, मतलब हमें सेम पेयर तो मिल रहा है, दैट इज अपोजिट साइन भी मिल रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सो राइट हियर इक्वेशन 5 + 6, इक्वेशन 5 + 6 गिव्स, इक्वेशन 5 + 6 गिव्स, सो राइट हियर 10a माइनस 15b इक्वल टू 75, इक्वल टू 75 एंड 24a, 24a प्लस 15b, प्लस 15b इक्वल टू व्हाट, दैट इज 231, 231, ओके, सो 10a प्लस 24a विल बिकम 34a, अब माइनस 15b, 15b विल गेट कैंसल्ड, इक्वल टू 75 प्लस 231, दिस विल बिकम 306, सो 34 के टेबल में 306 आता है, दैट इज 9 टाइम्स, सो 34 9 जा 306, देयरफॉर ए इक्वल टू 306 डिवाइडेड बाय 34, देयरफॉर 34 9 जा 306, देयरफॉर ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू 9। ये जो वैल्यू मिली है हमें ए की, तो उसे हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में 1 2 3 4 5 6 किसी भी एक इक्वेशन में हम इसे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, बी की वैल्यू। सो राइट हियर, राइट हियर, सो पुट ए इक्वल टू 9 इन, पुट ए इक्वल टू 9 इन, सबसे सिंपल जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 3 है, दैट इज 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b इक्वल टू 15, ओके, सो राइट हियर 2 इंटू 9, देयरफॉर 2 इंटू 9 माइनस 3b इक्वल टू 15, इक्वल टू 15, देयरफॉर 2 9 जा 18 माइनस 3b इक्वल टू 15, देयरफॉर अब क्या करेंगे, इस 18 को इधर पलटा देंगे राइट हैंड साइड में, सो दिस विल बिकम माइनस 18, देयरफॉर माइनस 3b इक्वल टू 15 माइनस 18, देयरफॉर माइनस 3b इक्वल टू, माइनस 3b इक्वल टू माइनस 3। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड, ओके, सो देयरफॉर b इक्वल टू 3/3, देयरफॉर b इक्वल टू 1, 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, ये जो a और b की जो वैल्यू मिली है हमें तो निकालनी है x और y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे a और b की जो वैल्यू मिली है उसे हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाँ, सो राइट हियर रीसब्स्टिट्यूटिंग, रीसब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 9 इक्वल टू, अब ए हमने किसको एज्यूम किए थे, दैट इज 1/x, सो राइट हियर 1/x, राइट हियर 1/x, ओके, देयरफॉर x इक्वल टू 9, देयरफॉर x इक्वल टू 1/9, ओके, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है 1/9। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, b की जो वैल्यू है 1 उसे हम रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/y में, ओके, देयरफॉर b इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/y, देयरफॉर b इक्वल टू क्या मिली हमें, b की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमें मिली 1, सो राइट हियर सॉल्यूशन xy इक्वल टू 1/9 कॉमा 1, ओके, तो आइए अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन, दैट इज 10/(x + y) प्लस 2/(x - y) इक्वल टू 4 एंड 15/(x + y) माइनस 5/(x - y) इक्वल टू -2, ओके, तो देखिए अब इसमें भी हम वही करेंगे, लेट यहाँ पर लिखो, लेट m इक्वल टू
एम इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वाई एंड एन एन इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वाई, वन अपॉन एक्स माइनस वाई. सो राइट हियर इक्वेशन विल बिकम टेन एम, टेन एम प्लस टू एन इक्वल टू फोर. इसे आप दीजिए इक्वेशन थ्री एंड फिफ्टीन एम माइनस फाइव एन इक्वल टू माइनस टू. इसे आप दे दीजिए इक्वेशन फोर. ओके सो राइट हियर. अब देखिए हमें दो जो नए इक्वेशंस मिले हैं उसमें ना तो दोनों इक्वेशन का अगर हम देखें तो ना तो सेम से फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट टर्म में अगर हम देखें एम वाले टर्म को तो ना तो सेम पेयर है ना अपोजिट साइन है. एन वाले टर्म को अगर हम देखें तो अपोजिट साइन तो है बट सेम पेयर नहीं है. तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था ऊपर वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन थ्री उसको हम फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली जो टर्म है इक्वेशन फोर उसे हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा, अपोजिट साइन के साथ साथ सेम पेयर भी मिल जाएगा. सो राइट हियर इक्वेशन इक्वेशन थ्री इंटू इक्वेशन थ्री इंटू फाइव एंड फोर इंटू टू गिव्स फोर इंटू टू गिव्स. ओके राइट हियर देयरफॉर थ्री इंटू फाइव इंटू टेन एम प्लस टू एन इक्वल टू फोर एंड फोर इंटू टू इंटू फिफ्टीन एम माइनस फाइव एन इक्वल टू माइनस टू. सो फाइव टेन्स आर फिफ्टी एन फिफ्टी एम फाइव टेन्स आर फिफ्टी एम प्लस फाइव टू जार टेन एम टेन एन इक्वल टू फाइव फोर जार ट्वेंटी फाइव फोर जार ट्वेंटी. इसे आप इक्वेशन फाइव दे दीजिए. देन टू फिफ्टीन जार थर्टी एम टू फिफ्टीन सा थर्टी एम माइनस फाइव टू ज़ा टेन एन इक्वल टू 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 ज़ा फोर दिस विल बिकम माइनस फोर. इसे आप इक्वेशन सिक्स दे दीजिए. अब देखिए एन वाले टर्म जिसमें हमें अपोजिट साइन के साथ साथ सेम पेयर भी है सो हम क्या करेंगे ऐसे में इक्वेशन को ऐड कर देंगे. सो राइट हियर इक्वेशन इक्वेशन फाइव प्लस सिक्स गिव्स फाइव प्लस सिक्स गिव्स पर इक्वेशन लिख लीजिए फिफ्टी एम प्लस टेन एन इक्वल टू ट्वेंटी एंड थर्टी एम थर्टी एम प्लस सॉरी माइनस टेन एम टेन एन इक्वल टू माइनस फोर इक्वल टू माइनस फोर. ओके सो फिफ्टी प्लस थर्टी दिस विल बिकम फिफ्टी प्लस थर्टी एम विल बिकम एट्टी एम प्लस टेन एन माइनस टेन एन विल बी कैंसल्ड एंड 20 माइनस फोर विल बिकम 16. देयरफॉर एम इक्वल टू 80 अपॉन 16 एट्टी अपॉन 16 16 वन जा 16 एक मिनट 16 अपॉन 80 ओके 16 अपॉन 80 16 वन जा 16 16 फाइव जा 80 देयरफॉर एम इक्वल टू 1 अपॉन 5 ओके. अब जब एम की जो वैल्यू मिली है एम की जो वैल्यू मिली है उसे हम पुट कर देंगे किसमें, किसी भी एक इक्वेशन में. ओके सो पुट पुट एम इक्वल टू वन अपॉन फाइव इन
एम इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन 3, दैट इज 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, देयर फोर 10 इंटू 1/5 प्लस 2n इक्वल टू 4, देयर फोर 10/5। या फिर एक काम कीजिए, 5 1 5, 5 2 10 एंड 2 1 2, दिस विल बिकम 2 प्लस 2n इक्वल टू 4, देयर फोर अब 2 को इधर पलटा दीजिए, दिस विल बिकम 2n इक्वल टू 4 माइनस 2, देयर फोर 2n इक्वल टू 2। ओके, देयर फोर एन इक्वल टू 2/2, देयर फोर एन इक्वल टू 1, हमें मिली एन की वैल्यू 1। अब रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो राइट हियर रिसब्स्टिट्यूटिंग, रिसब्स्टिट्यूटिंग एम इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/x। ओके, तो देखिए इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें, एक्स इक्वल टू 5, देयर फोर एम इक्वल टू 1/x + y इक्वल टू 1/5, देयर फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, आप इसे दे दीजिए इक्वेशन 7 एंड एन की जो वैल्यू मिली है, दैट इज एन इक्वल टू 1/(x - y) इक्वल टू 1, सो x - y इक्वल टू 1, सो आप इसे दे दीजिए इक्वेशन 8। अब हमें क्या करना है, जो नए जो दो इक्वेशंस मिले हैं उसमें से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। सो अब देखिए, अगर इक्वेशन 7 को हम देखें तो x + y इक्वल टू 5 एंड जो 8 जो इक्वेशन है वो है x - y इक्वल टू 5, हमें सेम पेयर के साथ साथ अगर y वाले टर्म को देखें तो हमें सेम पेयर के साथ साथ अपोजिट साइड में मिल रहा है। सो आप क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इक्वेशन 7 + 8 गिव्स, इक्वेशन 7 + 8 गिव्स। ओके, देयरफॉर x + y इक्वल टू 5 एंड x - y इक्वल टू 1, सो x + x 2x प्लस y - y विल बी कैंसल्ड एंड 5 + 1 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3। ओके, अब जो x की वैल्यू मिली है उसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सो राइट हियर पुट x इक्वल टू 3 इन x - y इक्वल टू 1, x - y इक्वल टू 1, देयरफॉर 3 - y इक्वल टू 1, देयरफॉर -y इक्वल टू 1 - 3, देयरफॉर -y इक्वल टू -2। अब दोनों तरफ माइनस है तो -- विल बी कैंसल्ड, देयरफॉर y इक्वल टू 2, हमें y की मिली 2। इस प्रैक्टिस सेट के जो अगले जो दो क्वेश्चंस है उसे हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो वीडियो कैसे लगा ये आप हमें ज़रूर बताइए, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप, अगर आपके कोई डाउट्स हो, कोई सजेशंस हो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही लाइक कीजिए, मैक्सिमम नंबर में शेयर कीजिए। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, ताकि आपके जो चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अगला वीडियो आने तक हमारा हमें आगे दीजिए। सो टिल देन, गुड बाय।